पृथ्वी के लिए एस्टेरॉयड हमेशा से ही खतरा रहे हैं। हाल ही में 3 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में आया। एस्टेरॉयड जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वे आकाशीय चट्टानें हैं जो ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करती हैं। कभी कभी यह पृथ्वी के करीब आ जाते हैं, जो खतरनाक स्थिति बनाते हैं। यही कारण है कि स्पेस एजेंसियां इनकी निगरानी कर रही हैं। एजेंसियां इनकी निगरानी के साथ साथ एस्टेरॉयड के पथ की भविष्यवाणी भी कर सकती हैं। इस साल 3 एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने में कामयाब रहे हैं। जब से एजेंसियां इन पर नजर रख रही हैं, तब से पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले बड़े एस्टेरॉयड की संख्या 10 हो गई है। आम जनता के लिए इनका प्रभाव पता चलने लायक नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम थे। सोमवार 21 अक्टूबर को A11DC-6D 2024 UQ नाम का एस्टेरॉयड कैलिफोर्निया के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर वायुमंडल में आया। रिपोर्ट के मुताबिक यह चट्टान 3 मीटर चौड़ा था और प्रशांत महासागर के ऊपर हमारे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर गया था। स्पेस एजेंसियों ने एस्टेरॉयड की खोज तब की थी जब वह वायुमंडल में प्रवेश करने वाला था। एटलस सर्वे ने सिर्फ कुछ अवलोकनों के इस्तेमाल से इसकी निगरानी की। स्थानीय समय के मुताबिक 22 अक्टूबर को सुबह 3:54 पर यह एक आग के गोले में बदल गया। आसमान इससे रोशन हो गया था। जमीन पर आने से पहले ही यह जलकर खाक हो गया। वैज्ञानिक का अनुमान है कि इस एस्टेरॉयड की ऊर्जा सितंबर की शुरुआत में फिलीपींस के ऊपर आसमान में प्रवेश करने वाले एस्टेरॉयड की तुलना में कम होगी। बता दें, ओंटारियो में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में उल्का वैज्ञानिक पीटर ब्राउन ने एक्स पर लिखा कि हवाई में एटलस टेलीस्कोप ने इसे सबसे पहले देखा है। कई पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह अब 10वीं वस्तु है जिसके प्रभाव की पहले से भविष्यवाणी की जा चुकी थी। यह घटनाएं लगभग नियमित होती जा रही है क्योंकि एटलस कैटालिना और पैन स्टार आरएस जैसे सर्वे और बेहतर होते जा रहे हैं। वे पिछले महीने 5 सितंबर 2024 को पृथ्वी से टकराने से कुछ घंटे पहले एक ऐसा एस्टेरॉयड दिखाई दिया था जो फिलीपींस के ऊपर आग के गोले के रूप में फटा था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।